हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? लेट्स स्टार्ट द क्लास। जो टॉपिक चल रहा है दैट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हमारी लूसेंट की बुक चल रही है। आज हम एक स्टेप और आगे चलेंगे लूसेंट के अंदर। जो पहला वर्ड हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ फेलोनी। देखो, फेलोनी वर्ड का मतलब होता है महा अपराध या अपराध, क्राइम को बोलते हैं। फेलोनी वर्ड का मतलब क्या होता है? अपराध को बोलते हैं, लाइक मर्डर। आर्सन मतलब आग वगैरह लगाना। तो फेलोनी को आप याद कैसे कर सकते हो? मनी से। फेलोनी को आप कैसे कनेक्ट करोगे? मनी से। देखो, पैसे के चक्कर में आजकल आप देखते हो कि बहुत सारे क्राइम होते हैं, तो मनी से कनेक्ट कर दो फेलोनी। तो फेलोनी का मतलब होता है अपराध। रेडिएट करने का आपको मतलब ही पता है कि रेज का बाहर निकलना इज रेडिएट। अगर हम गूगल पे जाएं और हम लिखते हैं रेडिएट, तो देखो कैसी इमेज बनेगी। तो किरणों का बाहर निकलना रेडिएट करना होता है, ठीक है ना। रेज का बाहर निकलना किस चीज़ से क्या होता है? रेडिएट करना होता है, जैसे देख सकते हो ये, ठीक है ना, रेडिएशंस चल रही हैं ये। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं, रिमांड का मतलब होता है, देखो जब कोर्ट क्रिमिनल को वापस हवालात में भेज देता है तो बोलते हैं रिमांड है इसकी। रिमांड का मतलब होता है वापस जेल में भेज देना। रिमांड का मतलब क्या होता है? जब कोर्ट क्या करता है, वापस जेल में भेज देता है क्रिमिनल को, तो बोलते हैं रिमांड होगी इसकी। नेक्स्ट वन बड़े रिसेस, तो आपको पता ही है रिसेस का मतलब क्या होता है। देखो, सीक्रेट प्लेस डिफिकल्ट टू एसेस, जहाँ पर जाना कठिन हो, या जो स्कूल में आप देखते जब आप काम कर रहे हो भाई, इसमें ब्रेक आता है, दैट ब्रेक इज रिसेस। कोल्यूशन का मतलब होता है सांठ गांठ, ठीक है ना, सांठ गांठ को बोलते हैं कोल्यूशन। देखो, कोल का मतलब होता है साथ। कोल का क्या मतलब होता है? साथ होता है। तो सांठ गांठ मतलब कि कोई, मान लो कुछ लोगों का नेगेटिव इंटेंशन है, तो वो एक प्लान कर रहे हैं, साठ गांठ कर रहे हैं कुछ नेगेटिव इंटेंशन के साथ। तो अगर हमारा नेगेटिव इंटेंशन है और साठ गांठ चल रही है, इसको बोलते हैं कोल्यूशन। नेक्स्ट है फंबल करना या ग्रॉप करना क्या होता है। देखो, मान लो आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, उसको आप खोज रहे हो, टटोल रहे हो, तो बोल रहे फंबल कर रहे हैं या ग्रॉप कर रहे हैं। क्वेस्ट वर्ड बनाए क्वेश्चन से। देखो, क्वेश्चन कौन पूछेगा? जिसके मन में कोई प्रश्न होगा, प्यास होगी जानने की, तो दिस इस प्यास को, इस खोज को बोलते हैं क्वेस्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कन्वेक्टिकल। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? कन्वेक्टिकल क्या होता है? गुप्त धार्मिक सभा। कन्वेक्टिकल का मतलब क्या है? सबको हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखो, कन्वेक्टिकल का मतलब क्या होता है? कन्वेक्टिकल देखो, कन्वेंटिकल क्या है? जैसे ये आपको दिख रही है, ये कुछ धार्मिक लेवल पे जब कोई डिस्कशंस की जाती हैं, मीटिंग्स की जाती हैं, दे आर कोल्ड कन्वेंटिकल्स, ठीक है ना। जैसे आप ये देख सकते हो इमेज, तो ये कुछ लोग डिस्कशन कर रहे हैं, धार्मिक तौर पे जब कोई सभा की जाती है, मीटिंग की जाती है, इसको बोलते हैं कन्वेंटिकल। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं आर्ची प्लेगो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। देखो, आर्ची प्लेगो का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज आर्ची प्लेगो। आर्ची प्लेगो का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जैसे आप अंडामान निकोबार वगैरह को देखते हो, ठीक है ना, तो ये देखो आप देख सकते हो आर्ची प्लेगोज हैं, ये कई सारे आइलैंड्स एक साथ हैं, ये आर्ची प्लेगो का एग्जांपल है, ठीक है ना। जब जैसे इंडिया में आर्ची प्लेगो का मतलब अंडामान एंड निकोबार, अंडामान एंड निकोबार आर्ची प्लेगो, तो देखो क्या दिखेगा आपको, आपको ये साइड दिख रही है, ठीक है ना, जैसे ये अंडामान निकोबार वगैरह के आइलैंड्स हैं, ये क्या आर्ची प्लेगोज हैं। आर्ची प्लेगो का मतलब क्या होता है? आइलैंड का ग्रुप होता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड इज आर्ची प्लेगो, इसे दिखा रखे आर्ची प्लेगोज है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट क्या है। एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे साइन करना, जैसे कोई चेक वगैरह है, अब चेक के आपने पीछे साइन कर दी तो आपने एंडोर्स कर दिया। अगर हम एंडोर्समेंट की इमेज देखते थे तो क्या बनेगा? एंडोर्समेंट की इमेज में देखो क्या बन रहा है। देखो, ये आपको देखो एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के पीछे साइन करना, जैसे आपको यहाँ पे चेक दिखा रखा है, तो चेक के पीछे वगैरह साइन करना क्या होता है? एंडोर्स करना होता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हो इमेजेस वगैरह, ये पिछले साइड पे साइन कर रखे हैं, तो ये एक एंडोर्समेंट का एग्जाम्पल है, ओके। इसको क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट है।
आ रहा है समझ? यस और नो सारा का सारा बताओ, कमेंट करके बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। गुड इवनिंग प्रदीप सर, कैसे हो? मैंने कमेंट अभी पढ़ा आपका, बहुत बड़ी प्रणाम आपको, बड़ा अच्छा लगा आपको कमेंट पढ़ के। बाकी स्टूडेंट्स आपको जानते ही हैं, कहने की जरूरत नहीं कुछ भी। अब देखो आगे चलते हैं। देखो देखो एंडोर्समेंट नेक्स्ट हमारा वर्ड है सुपरसीलियस। देखो सुपरसीलियस का मतलब होता है घमंडी। सुपरसीलियस का मतलब क्या होता है? घमंडी। देखो जो लोग खुद को घमंड, भाई मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं, इस सोच को रखते हैं, इसको बोलते हैं सुपरसीलियस है ये बंदा। क्या बोलते हैं? सुपरसीलियस है। देखो सुपर, इसको याद कैसे करना है? सुपरसिली। याद करने का तरीका क्या है? सुपरसिली। देखो सुपरसिली कौन होगा? जो खुद को बड़ा मानेगा। खुद को बड़ा मानने वाला, घमंडी मानने वाला क्या होता है? बिल्कुल सर बिल्कुल, आपका बहुत बहुत प्यार है गुरुजी, बहुत बहुत प्यार है प्रदीप सर का। देखो जो खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हैं उनको बोलते हैं सुपर सीलियस है ये पर्सन। तो इसका अगर अगर इमेज देखेंगे, अगर अपन गूगल पे जाके इमेज बनाएं, यहाँ पर लिखें सुपर सीलियस के, वो क्या बनेगा? ठीक है ना। देखो ये दिखा रखे है आपको, जैसे ये कोई फीमेल वगैरह है, इसको बहुत ज़्यादा अहंकार है मान लो, ले राइट साइड पे येलो ड्रेस में लड़की है, तो ये क्या है? सुपर सीलियस है। सुपर सीलियस जो खुद को बहुत बड़ा मानते हैं, सुपर सिली है, उसको बोलते हैं सुपर सीलियस है ये। ठीक है ना। अब देखो आगे चलते हैं, अब देखो एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एपिटोम। देखो एपिटोम का मतलब होता है सारांश। जैसे मान लो आपको ना कहानी सुनाई महाभारत की, मान लो आपको महाभारत की कहानी सुनाई। अब महाभारत की कहानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको ना ब्रीफ में बता दिया कि भी महाभारत की कहानी में मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं, कुल मिला के सार क्या है उस कहानी का, क्या सीखने को मिला, मॉरल क्या है। तो मॉरल को क्या बोलते हैं? जो हमारा सार होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिटोम बोलते हैं। एपिटोम का मतलब होता है सार। ठीक है ना। एपिटोम का मतलब क्या होता है? सार होता है। जैसे मान लो आपने बाहुबली की पिक्चर देखी, आपने बाहुबली मूवी देखी, अब आपने 3 घंटे लगा दिए, लेकिन अब आपने क्या किया, आपका दोस्त आपको मिला तो आपने मेन मेन कहानी बता दी बाहुबली की। तो ये कहानी क्या है? एपिटोम है। एपिटोम का मतलब होता है निचोड़, सार, कंप्लीट, जो एक तरह से मैसेज निकल रहा है किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं एपिटोम। कर्फ्यू तो आप सबको बताइए, अब तो वैसे ही कह रहे हैं ना सैटरडे संडे कर्फ्यू लगा करेगा कोरोना के चक्कर में। तो जब मतलब कि लोगों को ऐसा कह देते हैं कि वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते, सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर्स, कि लोग इंडोर रहेंगे, इंडोर का मतलब घर के अंदर रहेंगे, इस को बोलते हैं कर्फ्यू लग गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्ट्राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? कॉन्ट्राइट। देखो कॉन्ट्राइट वर्ड को याद करने का तरीका क्या है? काउंट इट राइट। कॉन्ट्राइट वर्ड को हम याद कैसे करेंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉन्ट्राइट वर्ड का मतलब होता है याद करने के, काउंट इट राइट, कि ठीक से गिनो। अब मान लो कि आपकी ना नौकरी लग गई, आपकी नौकरी लगी बैंक के अंदर, मान लो आपकी जॉब लगी, आप लगे बैंक में क्लर्क। ठीक है ना। अब आप क्लर्क लगे तो अब पेमेंट आएगी, अब जब आप मान लो सुबह सुबह क्या है, आप गए, कैश आ गया बहुत सारा, अब कैश को गिन के आपने रखना है। ठीक है ना। और अब मैनेजर क्या बोलेगा आपको? आपको जो मैनेजर होगा बैंक का, वो क्या बोलेगा? ये आके बोलेगा काउंट इट राइट, ठीक से गिनो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा, कॉन्ट्राइट करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्राइट करने का मतलब होता है पछताना। पछताना क्या होता है? कॉन्ट्राइट करना। आ रहा है समझ सबको? यस और नो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एपिग्राम। देखो एपिग्राम को याद करने का तरीका क्या है? आपने क्या पढ़ना है? एपिग्राम को आपने क्या पढ़ना है? टेलीग्राम। आपने क्या पढ़ना है? टेलीग्राम। अब मान लो कि आपको ना कोई टेलीग्राम आया, उसमें एक चुटकुला लिखा है। ठीक है ना। मान लो आपके घर में कोई टेलीग्राम आया और उस टेलीग्राम में क्या है? एक चुटकुला लिखा हुआ है। क्या है? एक चुटकुला लिखा हुआ है। वो चुटकुला मतलब कि किसी पोयम की सेंस में भी हो सकता है, कोई मजाकिया पोयम है। ठीक है ना। या कोई चुटकुला है या कोई मजाकिया बात लिखी हुई है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? मतलब कि मजाक किया जाना, चाहे वो पोयम की फॉर्म में है, चाहे वो चुटकुला है, चाहे वो कोई छोटी सी कहानी है। तो ये सब क्या होते हैं? एपिग्राम्स होते हैं। ये सब क्या होते हैं? एपिग्राम्स होते हैं। ठीक है ना। अब बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? यस और नो एक बार आप कमेंट करके बताओ।
हाँ जी, आ रहा है समझ सबको? समझ आ रहा है? देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्सक्रूजन, एक्सकर्जन। देखो एक्सकर्जन का मतलब होता है सैर सपाटा, ठीक है ना। आप घर से निकल के थोड़ा सा घूमने के लिए, शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, ठीक है ना, मस्ती में आप जा रहे हो, ये क्या एक्सकर्जन है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सकर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सकर्जन। देखो आप थोड़ी देर के लिए रास्ते पे निकल के घूमने फिरने, तो ये क्या एक्सकर्जन है। यहां पर तो गाड़ियां दिखा रखी हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप छोटी सी राइड पे निकल गए, पैदल निकल गए, तो ये क्या एक्सकर्जन होती है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कहावत। कहावत को क्या बोलते हैं? ये सारे काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रोवर्ब, डिक्टम, मैक्सिम और एडिज। सबका मतलब क्या होता है? कहावत होता है। जैसे मैं बोलता हूँ नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो ये क्या प्रोवर्ब है, ये डिक्टम है, ये मैक्सिम है या ये एडिज है। सबका मतलब कहावत होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनेक्डोट। देखो एनेक्डोट मत का मतलब पता है क्या होता है? किस्से या कहानी है। जैसे आपके दादी माँ की कहानियां होती हैं, तो एनेक्डोट्स होती हैं। कोई किस्सा सुना देंगे, कोई कहानी सुना देंगे, तो ये क्या है? एनेक्डोट्स हैं। ये क्या है? एनेक्डोट्स हैं। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है? किस्से या कहानियों क्या बोलते हैं? एनेक्डोट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑप्रोब्रियम। ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है अपमानजनक भाषा। अगर किसी के प्रति हम कोई नेगेटिव भाषा का इस्तेमाल करें, किसी को गालियां वगैरह निकालें या किसी की इंसल्ट करें, तो ये ऑप्रोब्रियम होता है। इसको याद करने का तरीका क्या है? ओपियम। देखो ओपियम का मतलब होता है अफीम। ओपियम का मतलब क्या होता है? अफीम। अब कई लोग क्या करते हैं? अफीम का काम करते हैं, तो इसमें कोई सम्मान वाली बात नहीं है, इसमें अपमान वाली बात ही है, ठीक है ना। तो ओपियम को कनेक्ट करो ऑप्रोब्रियम से। ओपियम को किससे कनेक्ट करना है? ऑप्रोब्रियम। तो ओपियम क्या है? अफीम। अगर कोई अफीम का काम करेगा तो अपमान वाली बात है, तो ऑप्रोब्रियम का मतलब होता है अपमानजनक भाषा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी, लॉजी का मतलब तो साइंस हो गया, पहली बात तो क्या है? लॉजी का मतलब क्या है? साइंस है। मेटर का मतलब है मीटर, यानी कि नापना। तो देखो स्टडी ऑफ वेट, जैसे किलोग्राम है, पाउंड्स है, तो वेट की वो स्टडी, वेट की साइंस क्या होता है? मेट्रोलॉजी होता है। देखो मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट है होरोलॉजी। देखो लॉजी आ गया तो साइंस है, पहले की बात तो ये। और होरो का मतलब होता है होरा। अगर आप समझोगे तो देखो, जब आप जोडियक साइन बनाते हो, अगर आप जोडियक साइन बनाओगे यहां पे, तो देखो जोडियक में क्या होता है, ऐसे ही आपको सर्कल मिलेगा। देखो आपको ना सर्कल मिलेगा ऐसा। देखो ये सर्कल जो है ना, इसमें जो जो जेमिनी लिखा है, टॉरस लिखा है, एरिस लिखा है, पाइसिस लिखा है, ये तो सब क्या राशियां हैं। तो ये क्या है बीच में आपको साइन, ये ना ओराज होते हैं। जैसे ना एक दिन में ओरा होते हैं, ढाई ढाई घंटे का ओरा होता है। तो होरा से आप याद रखते हो, ओरा से होरो, होरा याद रख सकते हो, होरा से होरोलॉजी, यानी कि समय विज्ञान, समय कैसे चलता है उसको समझना। अगर आप स्टडी करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि ब्रह्मांड में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, हर एक गैलेक्सी का अलग अलग समय है, ठीक है ना। तो समय की स्टडी करना क्या होता है? होरोलॉजी होता है। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी। देखो लेक्स का मतलब होता है शब्द। लेक्स का क्या मतलब होता है? शब्द। तो शब्दों, ग्राफी मतलब लिखना, तो शब्दों को लिखना, यानी कि डिक्शनरी लिखने का जो साइंस है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी है। और डिक्शनरी लिखने वाला क्या होता है? लेक्सिकोग्राफर। डिक्शनरी लिखने वाला क्या होता है? लेक्सिकोग्राफर होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं एथनोलॉजी। देखो लॉजी लिखा है तो इसका क्या मतलब है? साइंस है। और एथन का मतलब क्या होता है? जाति। देखो हमारा जो समाज है वो बहुत सारी जातियों में बटा हुआ है। इंग्लिश में क्या है? जाति का रूट क्या होता है? ETHN होता है। इंग्लिश में जाति का रूट क्या है? ETHN। अगर आपको किसी शब्द में ETHN लिखा मिलेगा, इसका अधिकतर कनेक्शन जाति से होगा। हमारे समाज में बहुत सारी जाति हैं, तो कैसे इंसान की इतनी सारी जातियाँ बनी, उसको स्टडी करना एथनोलॉजी होता है। लॉजी का मतलब स्टडी, एथन का मतलब जाति। तो जातियों में कैसे हमारा समाज बटा हुआ है, किस किस जाति के क्या क्या कल्चर हैं, क्या क्या वो सिस्टम है, वो स्टडी करना क्या होता है? एथनोलॉजी होता है। एनाटॉमी क्या होता है? किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को समझना, शरीर के स्ट्रक्चर को समझना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को समझना क्या होता है? एनाटॉमी होता है। अगर हम यहाँ पे एनाटॉमी लिखते हैं तो देखो क्या दिखेगा। देखो अगर हम एनाटॉमी लिखते हैं तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को समझा हुआ है। अगर मैं लिखता हूँ एनाटॉमी ऑफ हार्ट, तो आपको हार्ट की स्ट्रक्चर दिखेगा, ये हार्ट दिखा रखा है। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ एनाटॉमी ऑफ आईज, तो आपको आईज दिखेंगी। एनाटॉमी ऑफ आईज के आंख कैसे काम करती है। तो एनाटॉमी का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रक्चर।
एनाटॉमी ऑफ आईज लिखते हैं तो क्या दिखता है कि आंखों का आपको फिजिकल स्ट्रक्चर दिखाएगा कि आंखें वगैरह की सारा पीछे से क्या सिस्टम है, मसल्स कैसी हैं, वेन्स कैसी हैं, ये क्या एनाटॉमी है। नेक्स्ट है इकोलॉजी। देखो लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, और इको का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी करना क्या होता है, इकोलॉजी होता है। नेक्स्ट है कॉस्मोग्राफी। देखो कॉस्मो का मतलब होता है ब्रह्मांड, कॉस्मो शब्द का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड, और ग्राफी का मतलब होता है लिखना। तो ब्रह्मांड कैसे लिखा गया, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, उसकी स्टडी क्या होता है, कॉस्मोग्राफी। नेक्स्ट है ईटियोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, साइंस, ठीक है, नहीं तो हमें पता ही है। और देखो बीमारी का कारण जानने की साइंस क्या होती है, ईटियोलॉजी होती है, ठीक है ना। अगर कोई भी रोग है तो उसके पीछे का कारण क्या है वो अंडरस्टैंड करना क्या होता है, ईटियोलॉजी होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट करके बता दो एक बार, यस और नो। आज ना मैं मैसेज नहीं कर पाया, एक्चुअली मैं कहीं बाहर गया हुआ था और मैं 9:15 पे पहुंचा हूं, तो फटाफट वो कर दिया, क्या कहते हैं, आते ही मैंने लाइव कर दिया, मैसेज किया नहीं, वरना मैं सबको व्हाट्सएप कर देता हूं, क्योंकि मैं बड़ा जल्दी जल्दी में आया था। अब बताओ यहां तक वर्ड समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये सारा का सारा हम पढ़ रहे हैं लूसेंट जनरल इंग्लिश से, ठीक है ना, ओके है? चलो बाकी चलते हैं, इडियोलॉजी पढ़ ली है हमने। देखो नेक्स्ट हमारा वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। देखो लॉजी ये तो क्या हो गया, साइंस, लॉजी ये तो क्या आ गया, साइंस, और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड। तो इंसान की डेवलपमेंट की स्टडी, देखो इंसान कहते ना कि पहले बंदर था और बाद में वो क्या हुआ, धीरे धीरे बंदा बन गया, ऐसा डेवलपमेंट बोलते हैं ना। तो इंसान की डेवलपमेंट की स्टडी क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी तो आप सबको पता ही, लॉजी तो साइंस आ गया, टेक का मतलब टेक्निक, तो किसी भी चीज़ की टेक्निक है उसकी स्टडी करना टेक्नोलॉजी होता है। हाइजीन तो आपको पता ही है, तो हाइजीन का मतलब क्या, साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग, साफ सफाई की साइंस क्या होती है, हाइजीनिक। साइंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, देखो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं, अगर हम यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखेंगे तो क्या दिखेगा, देखो अगर हम यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लिखते हैं तो क्या दिखेगा, देखो ये ना खुदा हुआ दिख रहा है आपको, दीवारों के ऊपर कोई लेख लिखे हों, ठीक है ना, ये क्या इंस्क्रिप्शन है, तो इनमें क्या लिखा हुआ है, इसकी साइंस क्या होता है, एपिग्राफी। ग्राफी मतलब लिखा, तो एपिग्राफी क्या होता है, जो लेख वगैरह लिखे हैं गुफाओं के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। कैनोलॉजी का मतलब होता है सुंदरता का विज्ञान, जैसे देखो कोई किसी को सुंदर करना है तो उसका हेयर कट कैसा होना चाहिए, उसके बालों का स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसको कैसे कपड़े डालने चाहिए, उसकी कमर कैसे होनी चाहिए, ठीक है ना, उसकी बाइसेप्स कैसे होने चाहिए, तो मतलब कि एक ऐसा, मतलब कि ह्यूमन बॉडी को डेवलप करने की साइंस क्या होती है, कैलोलॉजी होती है। लॉजी फिर से क्या आ गया, टाइम आ गया, साइंस आ गया, और क्रोन का मतलब होता है, क्रोन का मतलब होता है समय, इंग्लिश के अंदर क्रोन का मतलब होता है समय। तो देखो तारीखें कैसे पड़ती हैं, जैसे फरवरी के महीने में 28 दिन होंगे, मार्च में 30 दिन होंगे, 31 दिन होंगे, ठीक है ना, तो ये हर एक, और कौन से दिन कौन सा वार पड़ेगा, ये जो कैलेंडर बनाने की टेक्निक है इसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। अरे देखो यहाँ तक मेरे ख्याल से काफ़ी समझ आ गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं होगा। एक बार आप वीडियो दोबारा देख लोगे ना आपको सारे, और बुक तो आपके पास सही है, बुक आप सबके पास सही है। नेक्स्ट है क्रिमिनोलॉजी। देखो लॉजी का मतलब होता है साइंस, क्रिमिनल क्राइम, तो क्राइम की स्टडी करना साइंस क्रिमिनोलॉजी होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है न्यूमिस्मेटिस्ट, न्यूमिस्मेटिक। देखो न्यूमिस्मेटिक का मतलब होता है अलग अलग कॉइन्स की स्टडी करना। न्यूमिस्मेटिस्ट कौन होता है, सिक्कों को कलेक्ट करने वाला होता है न्यूमिस्मेटिस्ट, और न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, अलग अलग सिक्कों की स्टडी न्यूमिस्मेटिक होता है। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट की स्टडी क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी। देखो हेमेटोलॉजी, लॉजी तो साइंस हो गया, हेम का मतलब होता है ब्लड, HAEM, आपने हेमोग्लोबिन सुना होगा, तो ये ब्लड को इंडिकेट करता है, तो हेमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, ब्लड की साइंस क्या होता है, हेमेटोलॉजी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, ऑर्निथोलॉजी। लॉजी तो साइंस है, ऑर्नी को पढ़ना है मोरनी, मोरनी पक्षी का नाम है ऐसा समझ सकते हो, तो पक्षियों की साइंस क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी होती है। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजी। देखो लॉजी तो साइंस हो गया, टर्म का मतलब होता है शब्द,
एक प्रोफेशन के अंदर किस तरह के शब्द होते हैं, डॉक्टरों के अपने शब्द हैं, एडवोकेट्स के अपने शब्द हैं, तो एक मतलब के शब्द का सही इस्तेमाल कहाँ पे किया जाएगा, इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। जेनेटिक आपको पता ही है, हेरिडिटरी की साइंस को बोलते हैं, भाई दादा से पापा में आए जीन्स, पापा से बच्चे में आ गई, ये क्या है, जेनेटिक्स है। मेटलर्जी का मतलब होता है, देखो साइंस ऑफ एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल, मेटल्स कैसे, मिनरल्स में से जो ओर्स होते हैं उनमें से कैसे मेटल्स निकाले जाते हैं। देखो पहाड़ों से क्या होते हैं, मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, तो उनको गर्म वगैरह करके सोना निकाला जाता है, चांदी निकाला जाता है, मिनरल्स मेटल्स अलग किए जाते हैं, लोहा निकाला जाता है, तो इस सारी साइंस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। तो मेटल से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ज्यूरिसप्रूडेंस, ठीक है ना, साइंस एंड फिलोसफी ऑफ ह्यूमन लॉ, ठीक है ना, ज्यूरिसप्रूडेंस, जो इंसान ने कानून बनाए हैं पृथ्वी पे रहने के लिए, इंसान ने बड़े सारे कानून बनाए हैं, इन कानून की स्टडी करना क्या होता है, ज्यूरिसप्रूडेंस होता है। नेक्स्ट हमारा गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी तो आपने देखा होगा, डॉक्टर भी होते हैं, गैस्ट्रोनॉमिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है ना, तो गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है मीन्स खाना बढ़िया बनाना और उसका उत्तम आहार विज्ञान, कि बढ़िया से बढ़िया खाना कैसा बनाया जाए, ठीक है ना, ताकि लोगों को डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए, इस तरह से उसका बनाने का तरीका क्या होता है, ऑल इज गैस्ट्रोनॉमी। एविएशन का मतलब क्या होता है, एविएशन का मतलब होता है हवाई जहाज की साइंस। एविएशन का मतलब क्या होता है कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है, उसकी साइंस क्या होती है, एविएशन होती है। देखो हवाई जहाज की इंजीनियरिंग कह सकते हो, हवाई जहाज के उड़ने की विद्या कह सकते हो, इज ऑल एविएशन। किंडरगार्टन तो आप सबको पता होगा, तो छोटे बच्चों का स्कूल होता है, प्ले स्कूल जो होते हैं, देयर कॉल्ड किंडरगार्टन्स। किंडरगार्टन की स्पेलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, किंडरगार्टन, देखो छोटे बच्चों का स्कूल होता है जहां पे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ये क्या किंडरगार्टन है, ठीक है ना, ये किंडरगार्टन आपको सबको पता ही है। आगे देखते हैं, देखो फोरटेल और फोरकास्ट, देखो इंग्लिश में अगर फोर लिखा मिलता है ना, ये होता है फ्यूचर, ये क्या होता है, फ्यूचर होता है, तो फोरटेल का मतलब होता है फ्यूचर को बता देना और फोरकास्ट का मतलब होता है फ्यूचर को बता देना, ठीक है ना। फोरटेल करना, फोरकास्ट करना, यानी कि पहले ही भविष्य को बता देना, प्रीडिक्ट कर लेना, प्री का मतलब पहले, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, और डिक्ट का मतलब होता है बताना या बोलना, तो पहले ही भविष्य बता देना, तो फोरकास्ट, प्रिडिक्ट, फोरटेल, सबका क्या मतलब, भविष्यवाणी करना होता है। रिसाइट का मतलब है स्वर पाठ करना, यानी कि जैसे आप कोई पोयम वगैरह गा रहे हो, ठीक है ना, जब आप पोयम गा रहे हो तो आप उसको रिसाइट कर रहे हो, गाते गाते बोलना, गाते गाते बोलना। देखो सैलवेज काफी इंपॉर्टेंट वर्ड, देखो दो वर्ड है इंग्लिश के अंदर, एक तो वर्ड है सैवेज और एक वर्ड है सैलवेज, ये दोनों अपोजिट हैं, एक वर्ड है सैवेज और एक वर्ड है सैलवेज। देखो सैवेज का मतलब होता है बर्बाद करना और सैलवेज का मतलब बचा लेना, ठीक है ना, जब किसी को बचाते हो तो सैलवेज करना होता है, कोई प्रॉपर्टी पे आग लग रही है तो आपने जाके पानी छिड़क दिया, आपने प्रॉपर्टी को सैलवेज कर दिया, ठीक है ना, और किसी को आप, कोई किसी को प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हो, सैवेज कर रहा है, तो ध्यान रखना दिखने में जैसे वर्ड्स हैं ऑपोजिट है, सैवेज और सैलवेज क्या होते हैं, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं दूसरे के। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं लैगून, देखो लैगून क्या होता है, मतलब कि ना सॉल्टी लेक्स को बोलते हैं, जो समुंदर के आसपास लेक्स मिलती है ना, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे लैगून लिखता हूँ तो वो क्या मिलेगा, देखो अगर मैं लैगून लिखता हूँ, समुंदर के साथ साथ, जैसे आपको ये दिख रहा है, देखो पीछे तो समुंदर दिख रहा है आपको बहुत बड़ा, और आगे क्या लेक दिख रही है, ये पीछे समुंदर है, तो ये क्या है, लैगून लेक है। लैगून लेक्स क्या होती है, जो समुंदर के साथ साथ लेक्स दिखती हैं, खारे पानी की लेक होती हैं, दे आर कॉल्ड लैगून्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सैलवेज हो गया, लैगून हो गया। एटिकेट मैनर तो आपको पता ही है, शिष्टाचार, कैसे आप बात करते हो, कैसे उठते हो, बैठते हो, ये क्या है, आपके एटिकेट्स हैं, आपके मैनर्स हैं, ठीक है ना। रूल्स फॉर फॉर्मल बिहेवियर अमंग पीपल, कि लोगों से आप कैसा बर्ताव करोगे, वो आपके एटिकेट्स होते हैं। इसकी स्पेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसकी स्पेलिंग पूछ लेते हैं, तो आप वो देख लेना। अब बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस और नो। देखो स्लरी, स्लरी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बर्तन वगैरह धुलते हैं ना, उस जगह को बोलते हैं स्लरी है। देखो अगर मैं स्लरी लिखूंगा, देखो जहाँ पर बर्तन वगैरह धोए जाते हैं उस जगह को बोलते हैं स्लरी है, जैसे बर्तनों की जगह बना रखी है बर्तन धोने की, तो ये स्लरी बना रखी है, किचन का वो एरिया जहाँ पे बर्तन वगैरह धोए जाते हैं उसको बोलते हैं स्लरी है ये। नेक्स्ट है पोर्च, पोर्च तो आपको पता ही है, देखो जो थोड़ा सा रूफ सपोर्टेड बाय कॉलम्स एट द एंट्रेंस ऑफ अ बिल्डिंग,
अगर हम पोर्स लिखते हैं यहां पे, देखो ये आपको दिख रहा है, ये बाहर छज्जा सा निकाल रखा है, ये पोर्स होता है। ये आपको दिख रहा होगा ये पिलर लगा के ऊपर बाहर ये रूफ सी बना रखी है, इसको पोर्स बोलते हैं। यहां तक समझ तो आ रहा होगा सबको, यस और नो? ओके, अब आगे चलते हैं, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। एवोल्यूशन का मतलब होता है धार्मिक स्नान। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? धार्मिक स्नान। देखो कोई लोग कहते ना गंगा में डुबकी लगाएंगे तो पाप धुल जाएंगे, तो जब हम ऐसे इस भाव धार्मिक स्नान करते हैं या किसी जगह का हम जैसे गुरुद्वारे गए तो हमने क्या कर दिया, सफाई कर दी बड़े अच्छे से गुरुद्वारे की, या मंदिर में गए हमने बहुत सफाई कर दी वहाँ की, तो धार्मिक तौर पे सफाई करना, चाहे नहाना खुद का स्नान करना या किसी जगह की सफाई करना, क्या होता है? एवोल्यूशन होता है। तो धार्मिक स्नान लिखे हैं यहाँ पे, देखो अगर अपन यहाँ पे लिखेंगे ना एवोल्यूशन तो देखो क्या मिलेगा आपको, आपको क्या मिलने वाला है? एवोल्यूशन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, तो एवोल्यूशन इन रिवर कर देता हूँ यहाँ पे। देखो ये दिखा रखे हैं आपको, ये लोग डुबकी वगैरह लगा रहे हैं नदियों में कि जैसे पाप कट जाएंगे, तो ये क्या है? एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये क्या है? एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ऐसी जब तीर्थ स्थल को साफ सफाई की जाती है वो भी क्या होता है? एवोल्यूशन होता है, ठीक है ना। देखो रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह, रिबेलियन का मतलब है विद्रोह, जैसे कोई सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है तो रिबेलियन हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम रिबेलियन की इमेज देखेंगे तो देखो विद्रोह को क्या बोलते हैं? रिबेलियन। जैसे बहुत सारे लोग, देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं कि बहुत सारे लोग सड़कों के ऊपर हैं तो ये बाहर निकले हुए, रिबेलियन है ये। क्या लिखे? रिबेल फॉर लाइफ। ये चाइना का आपने कई बार सुना होगा कि वहाँ की पब्लिक बड़ा प्रोटेस्ट करती है, वहाँ की सरकार का विरोध करती है तो रिबेल करती है, वो रिबेलियन करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्रिविलेज। टाइड का मतलब लहर होता है, टाइड तो बिल्कुल सिंपल सा है, ज्वार भाटा लिखा है यहाँ पे, तो लहर को क्या बोलते हैं? टाइड। अगर हम टाइड देखेंगे तो यहाँ पे टाइड की एड दिखा रहा है, टाइड इन ओशियन कर दें क्या? ओशियन कर देते हैं, तो टाइड इन ओशियन। देखो आपको क्या दिखा रहा है? टाइड इन ओशियन पे क्या दिखाएगा कि समुन्द्र के अंदर या महासागर के अंदर जो उठती हैं लहरें उठती हैं वो टाइड्स होती हैं। देखो आपको देख सकते हो टाइड्स हैं, ऊपर चांद है, चांद के ग्रेविटेशन पुल से समुद्र में क्या लहरें उठती हैं, ये आपने जरूर पढ़ा होगा साइंस के अंदर। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? देखो जो सुविधा, जो पावर आपको दी गई है वो आपकी प्रिविलेज है, ठीक है ना। जैसे आप बैंक में मैनेजर लग गए तो आप किसी को लोन दे सकते हो, आपकी प्रिविलेज है, आपका राइट है, आपको अधिकार है वो करने का, तो प्रिविलेज है। पावर कह सकते हो, सुविधा कह सकते हो, विशेष अधिकार कह सकते हो। नेक्स्ट है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब होता है वो काम के बदले जो पैसा मिलता है, आपने कहीं पे काम किया बदले पैसे लिए तो वो आपकी रेमुनरेशन है। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर हम रेमुनरेशन की इमेज बनाएंगे तो देखो क्या बनेगा। देखो यहां पर क्या है? सैलरी दिखा रखी है, काम के बदले में जो पैसा मिलता है वो रेमुनरेशन होता है। काम के बदले में जो पैसा मिलता है वो क्या है? रेमुनरेशन है। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो रीपैट्रिएट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो री का मतलब होता है दोबारा या वापस, री का मतलब क्या होता है? दोबारा या वापस। पैट्रिएट का मतलब यहाँ पे देश के लिए है, तो किसी को उसके देश वापस भेज देना, रीपैट्रिएट करना होता है, ठीक है ना। रीपैट्रिएट, जैसे अभी अभिनव जो हमारे पायलट थे पाकिस्तान फंस गए थे तो वो उनको वापस देश भेज दिया, तो ये रीपैट्रिएट का एग्जाम्पल है, देश को लुटाना। रिटेलिएट का मतलब होता है वापस जवाब देना, जैसे मान लो पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और भारत ने वापस अटैक कर दिया पाकिस्तान पे, ये क्या रिटेलिएट है? रिटेलिएट का मतलब क्या होता है? वापस अटैक करना। रिटेलिएट का मतलब क्या होता है? देखो वापस अटैक करना, जैसे यहां पे दिखा रखा है, तो अगर मान लो पाकिस्तान ने अटैक किया भारत पे और भारत ने वापस अटैक कर दिया तो ये रिटेलिएट का एग्जाम्पल है। देखो रिटेलिएट का एग्जाम्पल है ये। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं रिबेट करना, तो आपको पता ही है छूट कंसेशन। सरमन का मतलब होता है धार्मिक उपदेश, जैसे कोई गुरु धार्मिक गुरु जब कोई उपदेश देते हैं तो ये क्या होता है? सरमन होता है। देखो यहां पे दिखा रखे है उपदेश दिखा रखे हैं, तो ये उपदेश के एग्जाम्पल है, ठीक है ना, नोट्स में लिखे हुए। नेक्स्ट है रेटिसेंट। रेटिसेंट क्या होता है? जो मतलब कि ज्यादा बोलता नहीं है, ये वर्ड पॉपुलर था मनमोहन सिंह के लिए,
मनमोहन सिंह के लिए ये वर्ड काफ़ी पॉपुलर हुआ था, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब कम बोलने वाला। अरे अगर मैं यहाँ पे रेटिसेंट लिखता हूँ तो देखो क्या दिखेगा, अगर मैं यहाँ पे रेटिसेंट पीएम ऑफ इंडिया लिखता हूँ, पीएम ऑफ इंडिया लिखता हूँ तो क्या लिखेगा, देखो मनमोहन सिंह की फोटो आई हुई है। तो रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, जो कम बोलता है उसको बोलते हैं रेटिसेंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं लायबल। देखो लायबल का मतलब क्या, उत्तरदायी, जो जवाब देने, जिसका जवाबदेही बनती है वो लायबल होता है। रीहैबिलिटेट का मतलब होता है पुनर्स्थापित करना। जैसे आपने कई बार कश्मीरी पंडित का मुद्दा सुना होगा कि कश्मीर में वापस इनको स्थापित करेंगे, तो ये रीहैबिलिटेट करना है, रीहैबिलिटेट करना है। फैटल का मतलब होता है घातक, जानलेवा। फैटल एक्सीडेंट अगर हम लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, अगर आप यहां पे लिखोगे फैटल एक्सीडेंट, देखो आपको यहां पे दिख रहा है कि जैसे जानलेवा एक्सीडेंट है, तो फैटल का मतलब जान ले लेने वाला, फैटल होता है, फैटल होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं परस्पेक्टिव। देखो स्पेक का मतलब देखना होता है, स्पेक का मतलब क्या होता है, देखना, और प्री का मतलब अपना अपना एंगल है किसी चीज को देखने का, तो परस्पेक्टिव होता है। एक चीज को देखने का आपका अपना नजरिया है, मेरा अपना नजरिया है, तो परस्पेक्टिव है हमारा अपना अपना। नेक्स्ट है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट क्या होता है, विचार शक्ति। इंटेलेक्चुअल क्या होते हैं, बुद्धिजीवी। तो जो आपके विचार की शक्ति है उसको क्या बोलते हैं, इंटेलेक्ट बोलते हैं। अब बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया, ये सुनो, ये हमने आज दो पेज कर लिए, लूसेंट के कलेक्ट किया था, बुक आप सबके पास होगी, दो पेज डेली का टारगेट रखेंगे एक पेज करने का। ये धीरे धीरे सारे वन वर्ड आपके खत्म हो जाएंगे वाले, और ऑलरेडी अराउंड 1200-1300 वन वर्ड हमने कर लिए हैं, ठीक है ना। कोई डाउट है तो बता दो कमेंट करके, बाकी कल करेंगे। शीतल आज ना नोटिफिकेशन भी भेजा ही नहीं था, आज डायरेक्ट लाइव आ गया मैं, लेकिन वीडियो तो यहीं पे पड़ी हुई है। 10 बजे करेंगे अगली क्लास, ओके 10 बजे नेक्स्ट क्लास करेंगे, ओके गुड बाय एवरीबॉडी।